हेलो गाइस वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो सो गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट अभी मेरे सामने और एक आवर्ली का चार्ट है यहां पर मैं छोटी सी टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा गाइस यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है ना गाइस यहां पर मार्केट का जो रेंज मैंने कल भी वीडियो पे बोल रहा था जो बार बार बोल रहा हूँ एक जो ट्रेंड लाइन के अंदर फंसा हुआ है आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट होता है एक बार यहाँ पर फिर दूसरी बार रिजेक्ट होता है यहाँ पर फिर तीसरी बार रिजेक्ट होता है यहाँ पर फिर चौथी बार भी रिजेक्ट होकर नीचे के आता आता है और यहाँ पर पांचों बार रिजेक्ट होके पाँच छः बार रिजेक्ट होके कम से कम इसने नीचे आ चुका है अभी अगर सेम चीज मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखू ठीक वही चीज उसने बार बार फॉलो कर रहा है वही उसने रिजेक्शन ले रहा है बार बार ओके तो यहां पर क्या है यहां पर अभी हम लोगों को क्या है ना यहां पर अभी देख रहे हैं नीचे से सपोर्ट भी दिख रहा है ठीक है कल जैसे बोल रहा था बायर इतना कैपेबल नहीं हो पा रहा है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए लेकिन आप अगर देखेंगे ना आप अगर देखेंगे यहां पर जो चीज देखने के लिए मिल रहा है ये जो ट्रेंड है ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है ये ट्रेंड धीरे 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 छोटा होता जा रहा है ठीक है तो भाई मार्केट एक दो दिन के अंदर एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देने के चांसेस है तो और आज के लिए मैं कोई भी फिफ्टीन

100 का लेवल ही था वो और प्राइस देखिए ये अपने आप में एक सपोर्ट है 43500 लेवल अपने आप में एक सपोर्ट है क्योंकि एक राउंड नंबर भी है और यहाँ पर अब देखेंगे ना सबसे ज्यादा बायर्स का जो पोजीशन और सबसे ज्यादा तो एसएल का एरिया है ये 43500 के नीचे ही लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लान कैसे होना चाहिए वो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा मार्केट अगर मान लीजिए काल के दिन पे गैप मॉडरेट ओपन होता है ठीक है और मॉडरेट ओपन होके ऐसा नीचे की तरफ आता है ठीक है मॉडरेट ओपन होके ऐसा नीचे की तरफ आता है तो इस सिचुएशंस पे आप लोग डायरेक्टली सेल मत कीजिएगा ठीक है क्योंकि मार्केट यहां पर फिर से साइडवाइज होकर बैठ के फिर ऊपर की तरफ मूव हो सकता है यहां पर प्राइस अगर कोई कॉन्सोलिटेशन करता है अगर यहाँ पर कॉन्सोल्टन मिनिमम एक घंटा हो जाए ना इस एरिया के आसपास लो के आसपास आके अगर कॉन्सोल्टेशन एक घंटा हो जाए उसके बाद इस एरिया को ब्रेकआउट करे तो उसके बाद में इंटरेस्ट होऊंगा लेकिन पहले मिनट में आके अगर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है ना तो मुझे लगता है फिर से बायर का एक्टिवनेस दिखेगा और इसको घुमा देगा ऊपर की तरफ ठीक है

कॉन्सोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो इस में फिर से मैं जैसे बार बार आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर बोलता रहता हूं क्वांटिटी तो के ऊपर घूम तो सकता है प्राइस ठीक है तो इस एरिया ट्रेड मिले तो हमें क्वांटिटी कम रखना है लेकिन लोअर साइड का ट्रेड मिले तो कंडीशन क्या ब्रेकडाउन हो होना चाहिए ऐसा सीधा आके गिर जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा एकदम ओपन हो गया इस एरिया के आसपास ए, एरिया के आसपास ओपन हुआ एंड उसके बाद सीधा आके गिर गया तो यहां पर क्या दिख रहा है ना 500 से लेके अगर 300 तक देखेंगे 400 400 सॉरी 580 से लेके अगर 400 तक भी आप देखेंगे ना तो भी यहां पर 150 से 200 पॉइंट का लेवल बन जाता है अब अगर यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो यहां से नाना करते हुए कम से कम यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का बनता है तो यार बैंक निफ्टी अगर इस क्लोजिंग से अगर 200 पॉइंट नीचे आ रहा है इट मींस यहां पर ऑलरेडी 200 पॉइंट का मूव हो चुका है तो यू हैव टू वेट फॉर ए एंड नेक्स्ट ब्रेक डाउन ओके होप यू अंडरस्टैंड प्लान कैसे बनना चाहिए ओके सो नेक्स्ट क्या होगा अभी अगर अपर साइड पे मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है उस पे आपको इस एरिया एरिया के अगर आसपास ओपन हो जाता है मैंने क्या बोला इस जोन के आसपास हमें ट्रेडिंग नहीं करना है लेकिन अगर इस जोन के आसपास प्राइस ओपन हो जाता है इस जोन के आसपास अगर प्राइस ओपन हो जाता है गैप अप होकर तो इस सिचुएशन पर मैं सेम कंडीशन को फॉलो करूंगा प्राइस एक बार ब्रेकआउट कॉन्सोलिडेट करके ब्रेकआउट हो जाए कोई रेंज बनाए उसके बाद वो रेंज को ट्रेड करने के लिए मैं पसंद करूंगा ठीक है होप यू अंडरस्टैंड गैप अप के केस में हमें कैसा बिहेव करना चाहिए अभी अगर यहाँ पर गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो गाइज यहाँ पर भी मैं सेम चीज वही चीज फॉलो करूंगा ट्रेड नहीं करना है या फिर मैं कोई ऑप्शन को सेल करने की कोशिश करूंगा होप यू अंडरस्टैंड छोटी सी वीडियो के अंदर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से होप आप लोगों को समझ में आ गया सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप ट्रेडिंग कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट थैंक यू एंड बाय बाय